फाइनली अभी वन पीस का वन आर्क उसके एंडिंग स्टेजेस पे पहुंच रहा है, जहाँ पर हमको नेक्स्ट वीक लूफी वर्सेस काइडो की फाइनल बैटल का फाइनल एपिसोड देखने को मिलने वाला है। और लूफी के जिस अटैक का वेट हम बहुत टाइम से कर रहे थे, उसका एक छोटा सा पिक हमको लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिला। और सच में यार, लूफी के बजरंग गन को एनिमेशन में देखने के बाद में एकदम से मजा आ गया। वो थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो, लेकिन मजे तो मजे होते हैं। बात करें वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड 1075 की, तो ये वाला एपिसोड एक विजुअली काफी ज्यादा बड़ा मास्टरपीस था, जिसके अंदर हमको रियलिटी में वन पीस के वर्ल्ड के अंदर कितनी ज्यादा डार्क चीजें होती है, कितनी ज्यादा बुरी चीजें होती है, उनका एक छोटा सा पिक देखने को मिला। क्योंकि एक एपिसोड भाई बहुत ही ज्यादा कम है वन पीस के अंदर की स्लेवरी, वन पीस के अंदर का रेसिज्म दिखाने के लिए। क्योंकि वन पीस के फैंस को ही पता कि वन पीस ऊपर से कितना भी गुफी लगता हो, लेकिन अंदर में वन पीस को ज्यादा ही डार्क एनिमे में है। इस वाले एपिसोड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें है जो मांगा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एनिमेटर लोगों ने बहुत सारी चीजें खुद से ही ऐड करी है, जिसकी वजह से ये वाला एपिसोड विजुअली काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा डार्क लग रहा था। हाँ, बट हम एपिसोड को देखने के बाद में बोल सकते हैं कि स्टोरी को ज्यादा आगे बढ़ी नहीं है, यहाँ पर बस 1% स्टोरी आगे बढ़ी है। यहाँ पर इस वाले एपिसोड के अंदर एनिमेटर लोगों ने एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज करी है। अगर ये वाला एपिसोड मांगा के अकॉर्डिंग चलता, तो इस वाले एपिसोड के अंदर हमको बस फ्लैशबैक ही फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं। अच्छा हुआ कि इन लोगों ने इस वाले एपिसोड के अंदर एक अलग टेक लेने की ट्राई करी। यार, वानों के अंदर लोगों के साथ में कितनी बुरी बुरी चीजें हुई है, जिनको जस्टिफाई करने के लिए ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा परफेक्ट था। क्योंकि जब तक हमको वानों के लोगों का दुख ही पता नहीं चलता, तब तक हमको काइडो के हारने की फील ही नहीं आती, क्योंकि काइडो ने इतनी ज्यादा बुरी चीजें करी है वानों के अंदर। अच्छा हुआ कि इन लोग ने इसी एपिसोड के अंदर ये सारी चीजें निपटा दी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमको काइडो की भी बैक स्टोरी देखने को मिलने वाली है। बस अभी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इन लोग ने काइडो वर्सेस लूफी के बैटल को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आधी बैटल दिखाया जाए, आधा फ्लैशबैक दिखाया जाए कि काइडो क्या था पहले। अगर ऐसा अगर हुआ तो आधे लोग तो रो देंगे भाई, बोलेंगे ये वाली बैटल कब खत्म होगी। चलो, होप फॉर द बेस्ट कि हमको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर प्रॉपर बस लूफी वर्सेस काइडो की फाइट देखने को मिल जाए, और इसी बैटल के साथ वानो आर्क खत्म हो जाए, हम फाइनली वन पीस के फाइनल सागा की तरफ बढ़े, जहाँ पर हमको अलग अलग एडवेंचर देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको वन पीस का 1075 एपिसोड कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको इस वाले एपिसोड के अंदर कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी चीजें बुरी लगी। तो चलो, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।